दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है नई कृषि उपज मंडी के संबंध में, और जो भी किसान बंधु 18 अप्रैल को जो मंडी में आएंगे, अभी 4 दिन तक तो लगातार अवकाश है, कल से अवकाश है 14, 15, 16 और 17 तारीख तक का। 18 तारीख सोमवार को जो भी किसान बंधु मंडी में आए तो वो इस खबर को जरूर देख लें, विशेषकर गेहूँ वाले किसान बंधु। सोमवार से नई व्यवस्था प्रारंभ हो रही है कृषि उपज मंडी नीमच में। गेहूं का नीलाम केवल ट्रोलियों में होगा, और वो भी नई कृषि उपज मंडी डुंगलाउदा चंगेरा में। तो ये नीमच मंडी की सबसे बड़ी खबर। तो नई मंडी जो बनकर तैयार है, प्लेटफॉर्म तैयार है, उस वहाँ पर हाल फिलहाल केवल ट्रोलियों के अंतर्गत केवल और केवल गेहूँ का नीलाम होगा। तो 18 अप्रैल 2022 से गेहूं मंडी ट्रोलियों के अंतर्गत नई कृषि उपज मंडी डुंगलाउदा चंगेरा में नीलाम होगा। तो जो भी किसान बंधु नीमच मंडी में आ रहे हैं तो उनके लिए बड़ी खबर है। सोमवार को जो भी आए गेहूं लेकर, अगर कोई आता है तो वो नई कृषि उपज मंडी में ट्रोलियों में लेकर आए, क्योंकि सोमवार से व्यवस्था चेंज हो रही है नीमच मंडी में। और जो ये मंडी है इसमें गेहूँ का नीलाम सोमवार से नहीं होगा, नीलाम होगा केवल ट्रोलियों के अंतर्गत, और वो भी होगा डुंगलाउदा और चंगेरा मंडी में। तो नई कृषि उपज मंडी में श्री गणेश होने वाला है गेहूं की नीलामी के साथ में। और सोमवार 18 अप्रैल 2022 से डुंगलाउदा चंगेरा मंडी में गेहूं का नीलाम केवल और केवल ट्रोलियों के अंतर्गत अस्थायी रूप से होगा। कोई कोई ये स्थायी रूप से नहीं है, अस्थायी रूप से है, क्योंकि हाल फिलहाल आउके हैं और मंडियों के बाहर जाम की स्थिति बन रही है, तो कुछ दिन आउके अच्छी रहती है सीजन के समय। तो ये अस्थायी रूप से मंडी जा रही है। तो अस्थायी रूप से मंडी 18 अप्रैल से गेहूं की मंडी डुंगलाउदा चंगेरा मंडी में रहेगी। अब वो कितने दिन रहेगी कह नहीं सकते, मगर 18 अप्रैल से हाल फिलहाल जो निर्णय है, 18 अप्रैल 2022 से गेहूं का नीलाम अस्थायी रूप से केवल और केवल ट्रोलियों के अंतर्गत नई कृषि उपज मंडी डुंगलाउदा और चंगेरा में नीलाम होगा। नीलामी का समय रहेगा प्रातः 9 बजे से। तो प्रातः 9 बजे से मंडी चलेगी नई मंडी में, केवल गेहूं के नीलाम होगा वहां पर और किसी जिन्स का नहीं होगा, और वो भी ट्रोलियों के अंतर्गत।